आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नायरा स्टाइल कुर्ती। फैंसी डिजाइनिंग से सिंपल सी कुर्ती मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसको बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से जॉर्जेट वाला फैब्रिक ले लिया है, जिस पे वर्क है सितारों का, हल्की सी कढ़ाई है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल जॉर्जेट वाला फैब्रिक ले लिया है। तो ऊपर वाला फैब्रिक जो है हमारा 1 मीटर है और नीचे वाला 2 मीटर है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने लाइनिंग के लिए भी फैब्रिक ले लिया है 1/2 मीटर। तो इन तीनों को मिला करके यहाँ पे मैं सिंपल सी कुर्ती का डिज़ाइन आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, मैंने जो ऊपर वाला हमारा डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक है वर्क वाला, इसको मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं इसकी मेज़रमेंट लूँगी, टॉप पार्ट को मैं इस तरह से मार्क करूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया है 15 इंच पे, तो पूरे को मैं 15 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको मार्क करूँगी ऊपर से 7 इंच पर इसके शोल्डर को, तो शोल्डर साइज़ लिया है मैंने 7 इंच पर फ्रेंड्स। और इसके बाद यहाँ पर आर्म साइज़ भी मैं 7 इंच पर ही लूँगी, तो आमूल को भी यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे गाइज मैं चेस्ट को मार्क करूँगी 10 इंच पे, तो 10 इंच पे मैं इसको इस तरीके से मार्क कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से 1 इंच का इस तरह से कर दिया है गाइज मार्क, राउंड शेप में, और हल्का सा अंदर को मार्क कर दिया है फ्रंट वाले पार्ट को। और नीचे से लूँगी मैं इसको 8 इंच पे फ्रेंड्स, तो 8 इंच पर मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इन दोनों मार्क को मैं इस तरह से मिला दूँगी, आमूल वाले को और इस तरह से लूजिंग वाले मार्क को, मैंने दोनों को इस तरह से मिला दिया है गाइज। और इसके बाद यहाँ पे मैं नेक को मार्क करूँगी, नेक की विड्थ होगी हमारी यहाँ पे 3 इंच पे, और नेक की लेंथ होगी 4 इंच पे। तो इसको मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से बॉक्स बना दूँगी, इसके बाद मैं इसको राउंड शेप कर दूँगी फ्रेंड्स। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसके शोल्डर को मार्क कर दूँगी हल्का सा आड़ा सा, इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। तो टॉप पार्ट जो है हमारा यहाँ पर मार्क होकर तैयार हो गया है। अब जहाँ पर भी मैंने इसको मार्क किया है फ्रेंड्स, वहीं से मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है जहाँ जहाँ पे भी मैंने इसको मार्क किया था। अब इसके बाद फ्रेंड्स, जो मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है उसको मैं इस तरह से बिछा लूँगी, डबल 4 फोल्ड करते हुए मैं इसको बिछा लूँगी यहाँ पे। तो जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है फ्रेंड्स। और इसको इस तरह से 4 फोल्ड रखने के बाद फ्रेंड्स, मैं जो टॉप पार्ट को मैंने कटिंग किया है इसको मैं इसके ऊपर अच्छे से रख लूँगी इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी इसी की बराबर बराबर साइज से लाइनिंग वाले पार्ट को भी इस तरह से कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैंने लाइनिंग वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह से कटिंग कर दिया है इसकी बराबर बराबर से। अब जो दोनों के फ्रंट वाले पार्ट है, एक एक पार्ट में अलग निकाल लूँगी फ्रंट वाला, तो इसको मैं फिर से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो लाइनिंग वाले पार्ट को भी मैं इस तरह से अलग निकाल लूँगी फ्रंट वाला पार्ट, तो दोनों को मैं अच्छे से मिला के रखूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने दोनों को अच्छे से मिला के रख लिया है, और जो मैंने हल्का सा अंदर को मार्क किया है यहाँ से मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर दिया है इस तरह से फ्रेंड्स। तो हमारा जो टॉप पार्ट है ये कटिंग होकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद ही हमारा बैक वाला पार्ट हो गया है दोनों। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नीचे वाले पार्ट को कटिंग कर लूँगी। तो मैंने सिंपल जॉर्जेट वाला फैब्रिक ले लिया है यहाँ पर, और इसको मैं 4 फोल्ड करते हुए बिछा लूँगी यहाँ पर इस तरह से। तो अच्छे से मैं इसको रख लूँगी सेट करके। तो यहाँ पे गाइज मैंने इसको अच्छी तरह से 4 फोल्ड करते हुए बिछा लिया है इस तरह से, आप देख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो ली है 28 इंच पे, और इसकी विड्थ ली है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से 20 इंच पे मैंने इसकी विड्थ रख ली है।
और इसके बाद यहाँ से नीचे से ये जॉइंट है यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी और ऊपर से मैं इसको एक सार कर देती हूँ गाइस, जिसमें कान है वो मैं निकाल देती हूँ और नीचे से भी मैं इसको कटिंग कर दूंगी, अलग कर दूंगी, मैं इसके टू पार्ट बना लूंगी गाइस अलग अलग। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसको नीचे से भी इस तरह से कटिंग कर दिया है, तो ये जॉइंट था मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है नीचे से, तो इसके टू पार्ट हो गए हैं। तो नीचे वाली लेयर्स भी हमारी कटिंग होकर रेडी हो गई है। इसके बाद मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है, तो इसको भी मैंने फोर फोल्ड करके बिछा लिया है। और इसके बाद स्लीव्स की लेंथ ली है मैंने यहाँ पे 18 इंच पे, और नीचे से इसकी विड्थ लूँगी गाइस यहाँ पे मैं 5 इंच पे, तो इस तरह से 5 इंच पे मैं इसको मार्क कर दूंगी और ऊपर से इसके आर्म होल को मार्क करूंगी मैं 8 इंच पे, तो 8 इंच पे मैं इसको ऊपर से इस तरह से मार्क कर दूंगी। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं इसके बराबर साइड को इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगी, तो यहाँ पे गाइस इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है। ऊपर से आर्म होल को भी मैं इस तरह से मार्क कर दूंगी राउंड शेप में हल्की सी, तो इस तरीके से यहाँ पे गाइस मैंने स्लीव्स को मार्क कर दिया है और फ्रंट वाले पार्ट को हल्का सा अंदर को मार्क किया है मैंने, और इसके बाद मैंने इसको कट कर दिया है। अब ये हल्का सा अंदर को मैं इसको कटिंग कर देती हूँ इस तरह से, तो स्लीव जो है यहाँ पे गाइस हमारी कटिंग होकर रेडी हो गई है। मैं इसको स्टिच करना स्टार्ट करती हूँ, तो दोनों पार्ट्स को यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाले को भी और फ्रंट वाले को भी मैंने मिला के रख लिया है। अब मैं इसको स्टिच लगा लूँगी नेक को और सीधा करते हुए एक स्टिचिंग ऊपर को लगा लूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसको एक स्टिचिंग ऊपर को लगा ली है अंदर को स्टिच करने के बाद। अब इसके बाद बैक वाले नेक को भी मैंने सेम इसी तरह से रेडी कर लिया है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब दोनों को मैं इस तरह से एक जगह मिला के रखूँगी फ्रेंड्स, तो इस तरह से मिला के रखने के बाद दोनों के शोल्डर को मैं स्टिच कर लूँगी। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसमें स्लीव्स ऐड करूँगी, तो स्लीव्स को मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है ऑलरेडी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरह से इसमें रखते हुए स्टिच लगा लूँगी, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा लूँगी फ्रेंड्स। तो स्लीव से मैं फिटिंग की स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करूँगी और नीचे तक के मैं इसको बंद कर दूँगी। तो सेम इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव को इसमें ऐड करूँगी, तो यहाँ पे गाइस मैंने दूसरी स्लीव ले ली है, इसको मैं स्टिचिंग लगाने के बाद और इसकी भी मैं फिटिंग लगा दूँगी। तो इस तरह से गाइस आप देख सकते हो शोल्डर मैंने इसमें इस तरह से ज्वाइंट कर दी है स्टिच के साथ, और स्लीव भी, और इसकी फिटिंग को भी मैंने स्टिच कर दी है दोनों साइड से। इस तरह से हमारा जो टॉप पार्ट है ये रेडी हो गया है। अब मैं नीचे वाले पार्ट को रेडी करूँगी, तो मैंने नीचे वाला एक पार्ट ले लिया है इस तरह से, और इसको मैं फोल्ड कर लूँगी गाइस इस तरह से बारीक बारीक से डबल फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लूँगी, और नीचे से भी फोल्ड कर लूँगी, और इसके बाद इधर की साइड से भी मैं फोल्ड कर दूँगी। तो तीनों साइड से मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स तीनों साइड से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं सिंपल सी वाइट लेस ले लूँगी, तो मैंने सिंपल सी यहाँ पे लेस ले ली है इस तरह की। अब इसके बाद गाइस लेस को मैं इधर से भी फोल्ड कर लूँगी और इधर की साइड से भी, और इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए मैं लगा लूँगी इसको दोनों साइडों पर गाइस दो स्टिचिंग के साथ मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसके बाद इधर की साइड पर भी मैं इसको लेस लगाऊँगी फ्रेंड्स, और सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट को भी मैं रेडी कर लूँगी। तो इधर भी मैं दो स्टिचिंग के साथ इसको इस पर सेट कर दूंगी, और इसके बाद गाइस यहाँ पे ऊपर की साइड पे मैं इसको इसमें गैदर ऐड करूंगी। तो मशीन को मैं धागा टाइट करते हुए इसमें स्टिच लगा लूंगी, इसमें ऑलरेडी गैदर आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस लेस को मैं इस तरीके से इसमें ऐड कर दूंगी स्टिच के साथ। तो सिंपली यहाँ पे गाइज इस तरह से मैं इसको लेस ऐड कर लूँगी, और नीचे से मैं इसको थोड़ा सा बचाते हुए इस तरह से कट कर दूँगी, और इसको मैं हल्का सा अंदर फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। तो अंदर फोल्ड करने के बाद यहाँ पे कोने पे मैं अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच करूँगी, और इसके बाद यहाँ पे लेस को भी इधर से मैं फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूँगी। तो लेस को आपको फोल्ड करते जाना है और स्टिच लगाते जाना है पूरे को। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी लेस को मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें ऐड कर दिया है अच्छी सी फिनिशिंग के साथ। ये इस पर लग कर तैयार हो गई है गाइस। दूसरी साइड पे भी मैंने लेस को ऐसे ही इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं मशीन का धागा बिल्कुल टाइट कर दूंगी, और इसको मैं बिल्कुल सिलाई भी जो है वो बड़ी कर दूंगी एकदम, इसको मैं स्टिच लगा लूँगी बड़ी सिलाई करते हुए, धागा टाइट करते हुए स्टिच लगा लेती हूँ। इसमें खुद ही गैदर से ऐड हो जाएंगे फ्रेंड्स, आप चाहो तो धागा खींच करके भी इसमें गैदर से ऐड कर सकते हो, तो मशीन से बिल्कुल इजी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको स्टिच लगा ली है, और गैदर से आप देख सकते हो इसमें कितनी अच्छी सी फिनिशिंग के साथ आए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारी लेयर्स रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट को भी मैं तैयार कर लूँगी फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइडों पे लेस लगा ली है और ऊपर में मैंने इसको धागा टाइट करते हुए स्टिच फुल साइज़ की रखते हुए मैंने इसको स्टिच लगा ली है। इसमें इस तरह से गैदर्स आ गई हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हो दोनों पार्ट को मैंने सेम इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं इसमें ऊपर में टॉप पार्ट को ऐड करूँगी। तो मैं टॉप पार्ट ले लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने टॉप पार्ट ले लिया है इस तरह से। तो टॉप पार्ट को मैं इसमें इस तरह से ऐड कर दूंगी और स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो टॉप पार्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे जो हमारी सिंपल सी स्टाइलिश कुर्ती है ये रेडी हो गई है फ्रेंड्स। इस तरह से फैंसी सा लुक आया है कुर्ती का, सिंपल है बिल्कुल। और इसके साथ ही गाइस यहाँ पे मैंने सिंपल सा अम्ब्रेला प्लाजो बनाया है जो कि जॉर्जेट में है। डबल लेस लगा करके मैंने उसको तैयार किया है। तो ये मैंने इसके साथ प्लाजो बनाया है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है हमारा फुल ड्रेस। और अगर वीडियो में कोई ऐसी बात तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और अगर आपके माइंड में कोई न्यू ड्रेस हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे उसका फोटो सेंड कर सकते हो फॉलो करके। इंस्टाग्राम आई डी का नाम है खुशी ड्रेस डिज़ाइनर। तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो और उसका डिज़ाइन सेंड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।